तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है आज आप लोग का एग्ज़ाम था संस्कृत का। आशा करता हूँ आप लोग का एग्ज़ाम जो है अच्छा गया होगा, गर्दा उड़ा दिए होंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, आप लोग जो है आराम से बैठ के सेट मिला लें। मेरे पास सेट अवेलेबल जो है ई है, और आप लोग के पास जो भी सेट है नो प्रॉब्लम नो टेंशन, क्योंकि भाई आपको सारा का सारा क्वेश्चन रीड करके आंसर भी बताऊंगा और क्वेश्चन को भी रीड करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लेना, और आज तो लास्ट डे है इसलिए लाइक ठोक के जाना है, गर्दा छुड़ा देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो फाइनली फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मन मना जो रथ, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दूसरा नंबर, महाजोर ईसा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी महेशा। चलिए महेशा। अगला है ओ जोर ई के मेल से कौन सा नया वर्ड बनेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है भाग्योदय में कौन सा संधि है, तो भैया आंसर करना है गुण। अगला क्वेश्चन हमारे पास फाइव नंबर है लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो उसको क्या कहते हैं, लंबोदर। तो वो कौन सा समास हो गया, बहुव्रीय समास, तो आप भी लंबे ही होंगे। चलिए कर्मवीर कौन था, राम प्रवेश राम कर्मवीर था। अगला क्वेश्चन है सेवन नंबर, लक्ष्मी किसका वर्णन करती थी, तो भाई सेवन नंबर का जो आंसर करना है ये बी उद्योग पुरुष का, उद्योगी पुरुष का। चलिए कोई टेंशन नहीं। एट नंबर, व्याघ्र प्रतीक कथा किस ग्रंथ से उदित है, हितोपदेश। एट नंबर का आंसर करना है सी नीति श्लोक, ठीक है। सॉरी एट नंबर का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा नीति श्लोक। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था, तो यार इसका जो नया नाम था इसका मूल संकर था, कल के गैस क्वेश्चन में भी डाले थे, तो बचपन का नाम आपका भी कुछ भी हो सकता है। देखिए कितना बढ़िया नाम था स्वामी दयानंद, बचपन में मूल संकर बोलते थे, बच्चे में तो कुछ भी बोल देते हैं, छोटे छोटे नाम से चिक्कू मिक्कू बोलते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए, चलिए यहाँ पे मूल संकर था स्वामी दयानंद का नाम। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, अब देखिए बात यहाँ पर आ रहा है, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा में के माध्यम से हुआ था, भैया संस्कृत का एग्जाम दे रहे थे, संस्कृत ठोक देना है, ठोक दिए होंगे कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे है एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा, एकाएकम एक एग्जाम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12 नंबर, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, भैया धनहीन जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब आगे हम लोग 13 नंबर पे चराचरम में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है भैया। अगला क्वेश्चन है धनार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है, माता रमेशाय भोजनम अक्षति। चलिए मेरा संस्कृत थोड़ा वीक है, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर हम लोग देखेंगे, भाई साहब हम लोग आ चुके हैं 15 नंबर पे, सह पद के योग में कौन सा विभक्ति है, लगती है तृतीया विभक्ति। अब यहाँ पे 16 नंबर है, सत की मुख किससे ढका होता है, हिरणमय पात्र से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सत्यमेव जयति किस उपनिषेद का मूल मंत्र है, तो भैया इसमें जो है 17 नंबर का आंसर ठोकना है सी मुंडकोप निषेध से सी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, हाँ भाई एक बात और, आप लोग का कितना सही होगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। जो भी रहे कन्फ्यूज़न यार जरूर बोलना, क्योंकि आप लोग का जब अच्छा मार्क्स देखते ना तो मन करता है चापाकल में कूद जाए। 18 नंबर है, किसके काल में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था, चंद्रगुप्त मौर्य। 19 नंबर, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, बताए थे ना गुरु गोविंद सिंह। और अगला क्वेश्चन 20 नंबर, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो भैया बिहार। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, देखिए भैया 21 नंबर, गृहत वही उद्धानम आसित, यह रेखांकित पद में कौन सा विभक्ति प्रयुक्त है, तो 21 नंबर का जो आंसर करना है भाई, 21 नंबर का आंसर करना है सप्तमी। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, अलम मत करो, अलम का मतलब होता है मत करो, अरे मत करो के अर्थ में कौन सा विभक्ति है, तो 22 नंबर का आंसर होगा भैया पंचमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 23 नंबर, किस शब्द में परि उपसर्ग है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है प्रत्याशा में शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर होगा प्रत्या बोलते हैं ना प्रत्याशा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 100% सही आंसर। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, भू धातु के लोट लकार माध्यम पुरुष
एक वचन का रूप कौन सा है? भू धातु का। तो भाई क्या होगा आंसर? भव। अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखेंगे। अब 26 नंबर कह रहा है मित्र जोड़ तल का निष्पक्ष रूप क्या होगा? मित्र का मित्रता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 27 नंबर, त्रह जोड़ चर्यंती खाली स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? तो भाई 27 नंबर का आंसर करना है सी, किए होंगे। आशा करते हैं आप लोग गर्दा जरूर छुड़ाए, आग तो जरूर लगा दिए होंगे। लास्ट एग्जाम है, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, जाके मजा मस्ती करना ही है। श्रु तुर्णम का निष्पक्ष रूप क्या होगा? तो भाई साहब आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, वृद्धा का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा? भैया ए आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, शताब्दी कैसा समाप्त है? तो द्विगु। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो भाई साहब आंसर करेंगे बी, किसान। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, नीति श्लोक पाठ महाभारत का किस पर्व से संकलित है? तो भाई साहब वन पर्व से संकलित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 33 नंबर, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों को समुचित उत्तर देते थे, तो कौन उत्तर देते थे? मंत्री विदुर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 34 नंबर, अपृष्टों बहुभाषिते किस पाठ की उक्ति है? तो 34 नंबर का जो आंसर करना है नीति श्लोक। अगला क्वेश्चन है परम तृप्ति देने वाला क्या है? तो भाई साहब 35 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, क्रोध। अगला क्वेश्चन 36 नंबर हम लोग देखेंगे, 36 नंबर है, लता शब्द का तृतीया बहुवचन का रूप कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोग 36 नंबर का जो आंसर करेंगे सी, लता भी। अब 37 नंबर है, वच जोर कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? तो वक्तवा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 100% भाई साहब सी है। आज वीडियो को लाइक करना यार, क्योंकि आज तो आपका लास्ट एग्जाम है, खुशी से जाना, खुशी देके जाना, ठीक है। इसलिए लाइक करके जाना, जब आप लाइक करते हो ना तो मुझे भी खुशी मिलता है, ठीक है। आप तो खुश होते ही हो लाइक करके। चलिए 38 नंबर देखते हैं, सहनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो 38 नंबर का आंसर करेंगे ऑनियर। अगला क्वेश्चन हमारे पास 39 नंबर, श्रीमान में कौन सा तद्धति प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर 39 नंबर का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 40 नंबर, लौकिका में कौन सा प्रत्यय है? तो लौकिका, इका आ रहा है ना लास्ट में इक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौकिक, है ना, लौकिक, इक आ रहा है लास्ट में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 41 नंबर देखेंगे मेरे भाई, 41 नंबर, गला सूख गया पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, आप भी पी लीजिए। और लिखित किस लकार का रूप है? तो भाई साहब 41 का जो आप लोग आंसर किए होंगे बी ही किए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पचेत किस धातु का रूप है? तो 42 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, और कंफर्म आंसर बता रहा हूँ। आप लोग खुश हों, इसलिए हम भी खुश हैं कि आज आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। और कुर्बान में कौन सा धातु है? कि कोई बच्चा गलत मत सोचना यार, आप खुश होते तो हम भी खुश हो जाते हैं, मेरे अंदर भी दिल है ना। चलिए 44, मतिसु में कौन सा विभक्ति है? तो भाई साहब 44 का क्या आंसर किए हैं सी, है ना, सप्तमी। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, भवता किस शब्द का रूप है? तो भू शब्द का रूप है, ठीक है, भवता। अगला क्वेश्चन 46 नंबर देखेंगे, जरूर देखना पूरा वीडियो देखना, और दबा के लाइक करना, दो एक ही बार दबाना, दोबारा मत दबाना। देखिए सबसे बड़ा शत्रु कौन होता? आलस। मन करता है पढ़ें, फिर मन करता नहीं पढ़ें, मन करता थोड़ा मोबाइल में बतिया लें, लेकिन क्या करें, सुतले सुतले बतियाने वाला होता है, बतिया लेते हैं। 47 नंबर है, तो सॉरी यार उसका आंसर बताना भूल गया, इसका सही आंसर सबसे बड़ा शत्रु आलस से होता है। अगला क्वेश्चन 47, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4, लेकिन वहाँ पे और था, 2-3 को बकलेला। चलिए अगला क्वेश्चन है 48, आलस कथा के पाठ के रचयिता कौन थे? अपना मिथिला कवि, कौन, विद्यापति जी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने महिला कृषिकाओं का वर्णन किया गया? 24 महिलाओं का, और थोड़ा यार इसमें कन्फ्यूज हैं, कन्फर्म कर लेना आंसर थोड़ा। 50 नंबर है, शंकराचरित्र का रचनाकार कौन सा है? तो ये दो क्वेश्चन हम थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, लेकिन इसका सही आंसर मारे हम पंडिता क्षमा राव, बट इसको चेक जरूर कर लेना आप लोग अपने बुक उल्टा के, ठीक है। अभी कन्फ्यूज हूँ, लास्ट में हम
आप लोग कमेंट में नीचे जाके पिनअप कर दूंगा लिख के, ठीक है, दोनों का आंसर अभी नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 51 नंबर। दो क्वेश्चन यार नहीं जानते थे तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि गलत बताने से तो टेंशन हो जाता है। चलिए देखते हैं, कह रहा है कालिदास किस नदी का वर्णन किया था, तो मंदाकिनी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है बूढ़ा बाघ के हाथ में क्या था, सोने का कंगन था। अगला क्वेश्चन है दानवीर कौन था, कर्ण था, और मैं भी दानवीर हूँ। चलिए, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसकी उत्पन्न करता है, तो इस अशांति का ही ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है, तो कर्म कांड कौन से हो रहा है, तो कल्पेन होगा इसका सही आंसर। चलिए, लगभग कल्प ही होगा, 100% होगा, लगभग नहीं 100% होगा, ठीक है, आप लोग देख लेना। चलिए 56 नंबर देखते हैं। अब भाई साहब लाइक जरूर करना, ठीक है, नहीं तो कह देंगे आपकी गर्लफ्रेंड को। 56, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, और भारत का हम लोग हैं, और भारत बहुत बड़ा देश है और अच्छे देश है, महान देश है। चलिए आगे डायलॉग देंगे बाद में। यहाँ आप देखेंगे भारत का शोभा कौन प्रसन्न होते हैं, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, भगवानों प्रसन्न होते हैं। चलिए, शैशव संस्कार कितने हैं, तो 6 हैं। अगला क्वेश्चन 59, चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो संस्कारों से होता है। कहते हैं ना तोर चरित्र खराब है, मतलब तोर संस्कार भी खराब है, इस लाइक करके जाना है। चलिए, अंत्येष्ट संस्कार कब होता है, भैया मरने के बाद, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और वीडियो अच्छी लगी यार, वीडियो को लाइक करना, हम जो भी बोले आपके एंटरटेनमेंट के लिए, अपने दिल में मत लेना, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके। हाँ यार, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है भाई, लास्ट दिन है, इसलिए मुझे भी खुश करना और आप भी खुश रहना, तो लाइक दबा के करना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय।